25 अक्टूबर 2019 को धनतेरस पर्व है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन पूजा और घर पर दिए जलाने से व्यक्ति को यश, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि व्यक्ति धनतेरस के दिन शाम के समय दीपक जलाता है तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं धनतेरस पर दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस पर शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद ही दीपक जलाएं, यानी कि सूरज के डूबने के बाद ही यम का दिया जलाएं। धनतेरस के दिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब घर के सभी सदस्य घर पर मौजूद हो तो उसी समय आपको दीपक जलाना शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, दीपक जलाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। एक दीपक नाली या कूड़े के ढेर के पास जरूर रखना चाहिए। फ्रेंड्स, दीपक जलाने के लिए आप शुद्ध सरसों का तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी। धनतेरस के दिन दीपक जलाते समय आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक गेलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।